हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो पहला पॉइंट हमने देखा था वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट वाज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे हम सॉलिड्स की बात करते हैं। वहीं पे अगर हमने दूसरा पॉइंट देखा था दैट ना अनदर वन वॉज द एपरेंट वाटर कंटेंट। तो एपरेंट वाटर कंटेंट का सिंबल पहले डब्ल्यू डैश है, और उसमें क्या होता है कि हम रेशियो लेते हैं वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट। अब हमने वहां पे ये देखा था कि किसका थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है और किसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो जहां पर वेट ऑफ सॉलिड्स को बात होती है तो वेट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड विल बी रिमेन अनचेंज्ड। तो वेट ऑफ सॉलिड जब अनचेंज रहेंगे तो जो भी वाटर में इंक्रीज हुआ वाटर में डिक्रीज हुआ तो हमारे वाटर कंटेंट का जो चेंज है वो हमें डायरेक्टली सीन होगा। तो हम इसको थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस के लिए यूज करते हैं वाटर कंटेंट को। वहीं पे देखिए, अगर हम बात करते हैं एपरेंट वाटर कंटेंट की, तो एपरेंट वाटर कंटेंट में क्या होता है वो हमारा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए इज मोर एप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स है वो बिट डिफिकल्ट है फील्ड में फाइंड करना इन कंपेयर टू पूरा वेट ऑफ सॉइल को निकालना। तो एपरेंट वाटर कंटेंट इज मोर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट व्यू से अच्छा है इन कंपेयर टू वाटर कंटेंट। वहीं पे हमने रिलेशन देखे थे, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे जो हमें एमसीक्यू में यूज करना था। हमने इसका प्रूफ भी देखा था। आज का नया टॉपिक है हमारा वॉइड रेशियो। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, दैट इज वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमने वहां पे देखा था, एक बार हमने टोटल वॉल्यूम टोटल वेट के कंपेयर में रेशियो लिया था और एक बार हमने वेट के सॉलिड्स के कंपेयर में लिया था। वहीं पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जब मैं सॉलिड और वॉइड्स का वॉल्यूम का रेशियो लेती हूँ तो उसको हम बोलेंगे वॉइड रेशियो। इसका सिंबल है ई, ई से शो करते हैं, मोस्टली हम डेसिमल में लिखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल्स। ओके, सो इट कैन बी सेड दैट इट इज द रेशियो इन विच वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉइड रेशियो। अब इसकी रेंज देखते हैं। तो हम बात करते हैं पहले है लोअर लिमिट की। तो क्या ई हमारा जीरो हो सकता है? ई हमारा जीरो हो सकता है, वो कब किस कंडीशन में जीरो होगा? जब हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो जाए। ये सॉइल की बात हो रही है, रॉक की बात तो हो नहीं रही है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारे जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारा जो वॉइड रेशियो वो भी जीरो नहीं हो सकता। एंड एज सिमिलर एज हमने वाटर कंटेंट और एपरेंट वाटर कंटेंट में देखा था कि वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, वैसे ही हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम अपर लिमिट इसकी डिफाइन नहीं कर सकते। सो नो अपर लिमिट। तो इसकी अब जो रेंज की बात करते हैं, हम ई की रेंज की जो बात करते हैं, तो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि हमारे वॉइड जीरो नहीं हो सकते। सो इट इज अ रेंज ऑफ वॉइड रेशियो। वेल नाउ डिस्कस अबाउट विच हैज मोर वॉइड रेशियो, कोर सॉइल और फाइन सॉइल। तो कोर सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम ये देखें कि इंडिविजुअल जो हमारे इंडिविजुअल वॉइड्स हैं उनकी जो मात्रा है, जो इंडिविजुअल वॉइड्स हैं वो ज्यादा होंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि टोटल वॉइड्स, तो टोटल वॉइड्स इन कंपेयर टू इंडिविजुअल वॉइड्स की वैल्यू उनकी कम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो कम हो जाएंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विल बी मोर। तो अभी हमने देखा कि वॉइड रेशियो इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा हो गया। तो हमने देखा कि फिर वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा, इसका मतलब मेरा वॉइड रेशियो कम। तो कोर सॉइल में हमारी जो वॉइड रेशियो है वो कम देखा जाता है। वहीं पर अगर हम फाइन सॉइल की बात करें तो ये एक हनी कॉम स्ट्रक्चर है जो कि हनी बी के छत्ते में आप लिखा होगा। तो हनी कॉम स्ट्रक्चर, सो इट इज हनी कॉम स्ट्रक्चर। तो वहीं पे हम बात करें तो इंडिविजुअल जो वॉइड्स होते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल वॉइड्स की अगर बात करते हैं तो वो कम है।
इंडिविजुअल वॉइड्स आर लेस, बट टोटल उसका स्पेस जो होता है, टोटल वॉइड्स जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज हो गए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिक्रीज हो जाएंगे, और ई इज इक्वल्स टू वी बी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अगर सॉलिड्स का वैल्यू कम है और वॉइड्स की वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ई की जो वॉइड रेशियो है हमारा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोर्स और फाइन, तो कोर्स में जो हमारा वॉइड रेशियो है वो कम है, वो वॉइड रेशियो हमारा कम है इन कंपेयर टू फाइन में जो वॉइड रेशियो है वो ज्यादा है। अब यहाँ से हम एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि अगर वॉइड रेशियो कम है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा है। अगर वॉइड रेशियो कम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा है इसका मतलब सॉलिड की मात्रा कम ज्यादा है, तो डेंसनेस भी ज्यादा होगी। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट पता चलता है कि डेंसनेस जो है, जो किसी सॉइल की डेंसनेस है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है वॉइड रेशियो पे। अगर वॉइड रेशियो ज्यादा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम तो डेंसनेस भी कम। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा तो जो हमारे वॉइड रेशियो वो भी कम, वो कम तो डेंसनेस ज्यादा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और डेंसनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम बात करते हैं वॉइड रेशियो और डेंसनेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पोरोसिटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोरोसिटी। तो जैसे हमने एपरेंट वाटर कंटेंट देखा था वैसे ही सिमिलर है, बट हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं। इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पर हम सॉलिड्स की बात नहीं करते, यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करते हैं। तो अब हमारे यहाँ इसका सिंबल होता है एन से, और इट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम इसकी रेंज की बात करते हैं। सो नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट रेंज, सो द लोअर लिमिट विल बी, क्या ये जीरो के इक्वल होगा? क्या ये जीरो के इक्वल होगा? अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो के इक्वल होंगे तो ये जीरो के इक्वल होगा, बट हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो वॉइड जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, करेक्ट। अगर हमें इसको वन बनाना है, इसका मतलब मुझे सॉलिड को जीरो करना पड़ेगा, और अगर हम सॉलिड्स को जीरो नहीं कर सकते, सॉइल है तो सॉलिड्स कैसे जीरो हो सकते हैं? इसका मतलब ये वन के भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब इसकी रेंज क्या है? द रेंज लाइज बिटवीन जीरो, वो भी इक्वल नहीं है, एंड लेस देन वन। सो इट लाइज बिटवीन जीरो टू वन। अब हमने वॉइड रेशियो देख लिया, यहाँ पर हमने पोरोसिटी देख लिया, तो इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो जैसे हमने वहां पे फॉर्मूले डिराइव किए थे, यहाँ पर भी हम करेंगे। सो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, विच आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब मैं क्या ऊपर नीचे सॉलिड्स का वॉल्यूम से डिवाइड कर लूँ, तो ये कैसे लिखेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो लेट्स टेक अ डिफरेंट पेन। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा? वॉइड रेशियो के इक्वलेंट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ई अपॉन, यहाँ पे वी वी अपॉन वी एस प्लस वन हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस ई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज इन वेरियस एमसीक्यू। एमसीक्यू में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पोरोसिटी है तो वॉइड रेशियो में चेंज करने के लिए इसको, या वॉइड रेशियो गिवेन है तो पोरोसिटी में चेंज करने के लिए हम ये यूज करते हैं। लेट्स यूज आर इंटेलिजेंट पेन। ओके, द नेक्स्ट वन विल बी,
अगर हम मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला देखा है एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन वन प्लस ई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बिकम एन वन प्लस ई इज इक्वल्स टू ई. नाउ एन प्लस ई एन इज इक्वल्स टू ई. नाउ ये जो वर्ड रेशियो का टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं तो इट विल बिकम एन इज इक्वल्स टू, कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा वन माइनस एन. फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग वर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू एन अपॉन वन माइनस एन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज ओके. तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की. तो टोटल वॉल्यूम भी रिटेन एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. एग्जैक्टली. तो अगर हम मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से कॉमन ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉमन, सो इट विल बिकम वन प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वेयर एज आई नो दैट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विल बी इक्वल्स टू वॉइड रेशियो. तो यहाँ से पता चलता है कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ब्रैकेट में वन प्लस ई. दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके सो वी हैव सीन थ्री फॉर्मूला, दैट इज दिस वन एंड दिस वन. अब जैसे हमने वहां पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखा था वाटर कंटेंट में, इन द सिमिलर वे हम यहाँ पर देखेंगे कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के कंपेयर में किसका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है. तो हमें पता ही है, अब तो हम समझ चुके हैं कि E इज इक्वल्स टू V वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेयर एज पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम. नाउ तो हम थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल नॉट चेंज, ऑब्वियसली विल नॉट चेंज. तो अगर मेरे को बात करनी है कि मेरा वॉइड रेशियो इंक्रीज हुआ, जैसे मैंने बोला कि वॉइड मेरा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो इंक्रीज हो गए, या फिर वॉल्यूम वॉइड्स मेरे डिक्रीज हो गए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा चेंज नहीं हो रहे हैं, तो जो भी मेरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में इंक्रीज और डिक्रीमेंट दिख रहा है उस वजह से मुझे वॉइड रेशियो में डायरेक्टली चेंज दिखेगा. तो जब वॉइड रेशियो की हम बात करते हैं, अगर वो चेंज हुए तो पता चल जाएगा वॉइड रेशियो इंक्रीज हुए तो ये भी इंक्रीज होगा, और अगर हम बात करेंगे कि वॉइड रेशियो डिक्रीज हुए तो हमारा वॉइड सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिक्रीज हुए तो हमारा वॉइड रेशियो भी डिक्रीज हुआ. तो मुझे थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की बात करनी पड़े तो हम वॉइड रेशियो को लेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में जो भी चेंज होगा उस वजह से हमारे वॉइड रेशियो में चेंज डायरेक्टली हमें देखने को मिलता है. वहीं पर अगर हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स इज मोर डिफिकल्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मोर डिफिकल्ट दैट्स वाई डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज मोर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन फील्ड दैट्स वाई वी प्रिफर वॉइड रेशियो. इसलिए हम वॉइड सॉरी दैट्स वाई वी प्रिफर पोरोसिटी फॉर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को फाइंड करना इज बिट डिफिकल्ट इन फील्ड, इसलिए हम पोरोसिटी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल को फाइंड करना इज ईजी. तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस से पोरोसिटी का इम्पोर्टेंस ज्यादा है इन कम्पेयर टू थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस. पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन. तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वॉटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. वॉइड्स में कितना पानी मेरा प्रेजेंट है, मतलब जो मेरे वॉइड्स हैं उसमें मेरा कितना पानी प्रेजेंट है, उसी को हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं. कभी कभी इसको एस आर से लोग डिनोट करते हैं, या फिर कभी हम एस से डिनोट करते हैं, करेक्ट. तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कि मेरा वाटर कितना प्रेजेंट है मेरे वॉइड्स में, सॉइल के वॉइड्स में कितना पानी प्रेजेंट है. अगर हम इसकी लिमिट की बात करते हैं तो ये जीरो भी हो सकती है,
जीरो कब होगी? जब मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो जाए। और ये किस कंडीशन में जीरो होंगे? जब मेरी सॉइल ड्राई हो। वहीं पे ये वन भी हो सकती है। वन कब होगा? जब पूरा वॉइड्स, जितना भी मेरा वॉइड्स है वो वाटर से फिल हो जाए, फुली सेचुरेटेड हो जाए, मतलब पूरा वाटर से फिल हो जाए। तो ये कब होगा? फुली सेचुरेटेड। इस कंडीशन में मेरी जो एस की वैल्यू है वो वन हो जाएगी। वहीं पे ये जीरो से वन के बीच में भी लाई करती है। इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं पार्शियली सेचुरेटेड। इसमें एयर भी प्रेजेंट होगी और वाटर भी प्रेजेंट होगा, मतलब वॉइड्स में एयर भी है और वाटर भी है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्शियली सेचुरेटेड। तो अभी हमने देखा कि जीरो हो सकता है ड्राई कंडीशन में, फुली सेचुरेटेड कंडीशन में वॉइड्स मेरे पूरे पानी से फिल हो जाएंगे। वहीं पे जो पार्शियली सेचुरेटेड कंडीशन है उसमें क्या होगा? हमारा जो रेशियो है वो जीरो से लेके वन के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि सेचुरेशन सिस्टम, जैसे अभी मैंने बताया ड्राई सॉइल, तो ड्राई सॉइल में क्या हुआ? जो मेरे वॉइड्स हैं वो एयर से फिल हो गए हैं। यहाँ पे हमारे जो वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल्ड है। तो ये सेचुरेटेड सॉइल है, ये ड्राई सॉइल है। तो इस कंडीशन में एस की वैल्यू वन होगी, इस कंडीशन में एस की वैल्यू जीरो होगी। वहीं पे एक और कंडीशन होती है, लेट मी ड्रॉ इट। इंजन बंद ले लिया। ओके, तो जिसमें अभी हम बात करेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरे सॉलिड, जो ये सॉलिड, इसमें हम जो भी सॉलिड्स हैं मेरे वी एस, मान लो जो भी इनका वॉल्यूम है वी एस, वहीं पे यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे सॉलिड्स हैं वो भी वी एस ही हैं। सॉलिड कभी भी चेंज नहीं करते, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड यहाँ पर, पहले क्या हुआ था कि वाटर, मतलब जो भी वॉइड्स थे हमने वाटर उतने तक फुल्ली ब्रिम तक फिल कर दिया था। अब मैं अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर रही हूँ, तो अगर मैं अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करूँ तो मेरे वॉइड्स भी इंक्रीज होंगे। तो वॉइड्स इंक्रीज होगा तो मेरा टोटल वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, करेक्ट? तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। जितने वॉइड्स थे मैंने उतने तो फिल कर देते हैं मैंने सैचुरेटेड कंडीशन में, लेकिन अब मैं उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर डाले जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ। तो इसकी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, फुल्ली मैंने वाटर से इसको फुल कर दिया है। ओके, नाउ तो अब बात करते हैं कि वॉइड रेशियो की। तो क्या वॉइड रेशियो हमारा इस कंडीशन में, जो हमारा पार्श ड्राई कंडीशन है या फिर सैचुरेटेड कंडीशन है, इनमें क्या हमारे वॉइड रेशियो चेंज होंगे? सो व्हेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो ना ड्राई कंडीशन में मेरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो रहे हैं, ना वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो रही है, ना हमारा सैचुरेटेड कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हुआ है, बस फिल ही तो हो गए वाटर में। तो जब तक हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज नहीं हो रहे, तो हमारा जो वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो वॉइड रेशियो है वो ड्राई कंडीशन में भी कॉन्स्टेंट रहेगा, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट सेचुरेटेड कंडीशन तो यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट रहेगा। बट नाउ वी आर फिलिंग वाटर अप टू द एक्सटेंट लेवल, मतलब ब्रिम से भी ऊपर में वाटर को फिल जा रही हूँ। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज हो गए, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज हो गए मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गया। तो जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो जाएंगे, मेरे वॉइड रेशियो भी इंक्रीज कर जाएगी, वॉइड रेशियो विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गए हैं। तो सेचुरेशन सिस्टम में हमने देखा कि ड्राई सॉइल होगी तो एस की वैल्यू जीरो होगी, सेचुरेटेड सॉइल में एस की वैल्यू वन होगी, वहीं पे सुपर सेचुरेटेड सॉइल में एस की वैल्यू जो है, हाँ एस की वैल्यू तो हमारी वन होगी क्योंकि अब फुली वॉइड्स हमारे फिल हैं। बस हमने यहाँ पे क्या किया कि वन ही डाल रहे थे, और तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज होते ही हमारा वॉइड रेशियो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेचुरेटेड सॉइल तक हमारा वॉइड रेशियो कॉन्स्टेंट रहता है। ये जो टर्म्स हैं ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि सैचुरेटेड है सॉइल, इसका मतलब वॉल्यूम हमारी कॉन्स्टेंट है, सुपर सैचुरेटेड है तो इसका मतलब मेरा वॉइड रेशियो चेंज हो गया है। नाउ नेक्स्ट टर्म विल बी
ऐसी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा मेरा, एयर कंटेंट। ओके, तो एयर कंटेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट टर्म विल बी एयर कंटेंट। जैसे सेचुरेशन को हमने देखा है वैसे एयर कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसी, करेक्ट। तो लेट मी टेक द येलो। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन, जैसे अभी हमने सेचुरेशन में क्या देखा था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन में, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इन द सिमिलर वे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं एयर कंटेंट। इट इज डिफाइंड एज ए सी इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी वी। नाउ वी टॉक अबाउट द लिमिट्स ऑफ दिस एयर कंटेंट। तो देखिए, पहली बात तो एक रिलेशन होता है, सेचुरेशन जो है हमारा प्लस ए सी विल बी इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये मिलके वॉइड्स बना रहे हैं। अभी पे अगर हम बात करें कि क्या ये जीरो हो सकते हैं, तो हाँ, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है अगर वो जीरो हो गया तो मेरा एसी भी जीरो हो जाएगा। और ये किस कंडीशन में हो सकता है कि मेरे पूरे वॉइड्स वाटर से फिल हो जाएं, तो ये इस कंडीशन में जीरो हो जाएंगे। क्या ये वन हो सकते हैं, तो हाँ, वन कब होगा, जब वो पूरी ड्राई है, ड्राई है तो वॉइड्स मेरे पूरे एयर से फिल हैं तो वो वन हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि क्या ये बीच में वेराई करते हैं, तो यस, जीरो से वन के बीच में, सॉरी, तो जीरो से लेके वन के बीच में भी ये लाई कर। नाउ सो टुडे वी हैव सीन वर्ड रेशियो, उनका सिग्निफिकेंस और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस देखा, पोरोसिटी देखी हमने, सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन देखा, एयर कंटेंट देखा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक सो वी विल डिस्कस अबाउट, एक तो हम डिस्कस करेंगे बल्क वेट के बारे में, गामा सेट के बारे में, मतलब सैचुरेटेड वेट के बारे में, सम्बस्ट के बारे में, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम क्विक रिवीजन भी करेंगे और परसेंटेज एयर वॉइड्स भी देखेंगे, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मे बी हम कल पूरे जो भी नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम पूरे फिजिकल जो भी हमने देखे थे पॉइंट्स, हमारे प्रॉपर्टीज जो हैं, इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इनसे बेस्ड बेसिक न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, कीप शेयरिंग।